एवरीवन, दिस इज अनिशा। वेलकम बैक टू विस्टक्राफ्ट वर्ल्ड। सो आज हम क्लोथ के टैग से बुकमार्क बनाने वाले हैं। आप इसे बुकमार्क की तरह और एज ए किचन भी यूज कर सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग शेप के क्लोथ के टैग्स हैं और फर्स्ट मैंने इसे चूज किया। मैंने यहाँ पे टैग पे ग्लू अप्लाई किया, देन इस पे पेपर को स्टिक किया। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, आप वाइट कलर भी इसमें पेंट कर सकते हो। मैंने वाइट कलर इसलिए पेंट नहीं किया क्योंकि ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। फर्स्ट इसमें मैंने इस टैग में भर भर कर वाटर लगा दिया, देन इस पे कलर स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। देन इसे ड्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। Now see the final look of this DIY. अब बढ़ते हैं सेकंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टैग थे लेकिन सबसे छोटू और पतलू यही था, तो ये मतलब डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि इसे ही सेकंड DIY में करते हैं। सो फर्स्ट इसमें भी मैंने फर्स्ट DIY की तरह ग्लू अप्लाई किया, देन इस पर पेपर अप्लाई कर दिया। अगेन आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस DIY में मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ किया है। इसमें मैंने फर्स्ट टेप चिपकाया, देन इस पर डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पर सारे डॉस्ट को क्या होता है, मैं अभी वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है मैंने अपने चैनल पे, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता है। सो छोड़िए, चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे सारे डॉट्स देने के बाद जो टेप हमने फर्स्ट यहाँ पे चिपकाया था उसको हमने निकाल दिया और मैंने यहाँ पे स्माइल लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो कम टू द थर्ड DIY। सो मैंने यहाँ पे इस क्लोथ टैग को यूज़ किया क्योंकि ये सब में डिफरेंट था और इस पे भी वही स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस पे पेंट अप्लाई करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा इसे ड्राई होने में
उससे अच्छा मैंने यहाँ पे वाइट पेपर ही चिपका लिया है, आप पेंट भी कर सकते हो। इस पे मैंने वाइट पेपर आगे और पीछे दोनों तरफ कवर किया है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि मैं यहाँ पे बो आर्ट करूँगी। सो ये बहुत इजी है, बस आपको कलर यहाँ पे लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। सो इस पे अलग अलग कलर के धब्बे लगाते ही ये रेडी हो जाएगा। ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको कोई प्रो स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ये क्या, बल्कि हमने जो आगे दो DIY बनाया है उस पे भी कोई आपको प्रो स्किल होने की ज़रूरत नहीं है, बस पेंट को लेना है और बस कर देना। अब इसे रेडी होने के बाद मैंने इसे ड्राई के लिए छोड़ दिया और कुछ ही समय में ये ड्राई हो गया। देन यहाँ पे मैं किप इंस्पायरिंग लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो और अच्छा लगे तो ये भी लिख सकते हो। सो प्लीज़ 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 गाइज मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तो अलग लेवल का एक मोटिवेशन आता है, जिससे कि न्यू आइडियाज़ भी आते हैं। So don't forget to like, share, subscribe and watch this video till the end. अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Please end तक देखना और comment में भी ये ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, तीनों अच्छा लगा या फिर तीनों में से कोई एक अच्छा लगा, and मेरे आइडिया के बारे में भी बताना आपको ये कैसा लगा। मैंने यहाँ पे ऊन लिया है और इसको इसमें इंसर्ट कर रही हूँ, डाल रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है, ब्रश की हेल्प से इसमें डाल रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं मिला, मेरे पास ब्रश ही था तो उसे तो कर लिया मैंने यूज़। अब यहाँ पे आपको ऊन को इसमें इंसर्ट करके इसमें टाई कर लेना है। इस तरीके से मैंने इस तीनों पे कर लिया ताकि इसमें प्रॉपर लुक आए कि हाँ ये बुक मार्क्स या फिर ये की चैन है। अगर की चैन है तो आप इसको अपने जब बैग बैग में लगाओगे तो इस ऊल को अपने चैन पे बांध लेने से ये प्रॉपर बन जाएगा आपका की चैन। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ओके बाय।